सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेरखान और अपस्टॉक्स के कंपैरिजन के बारे में। अपस्टॉक्स को आरकेएसवी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अब शेरखान एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, वहीं अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो रिसेंटली ही एस्टेब्लिश हुआ है। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बैकग्राउंड की, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क की, ब्रोकरेज प्लान्स की, एक्सपोजर ये लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बैकग्राउंड से। अपस्टॉक्स जैसे कि बताया गया एक डिस्काउंट ब्रोकर है, सन 2012 में ही ये एस्टेब्लिश हुआ है। वहीं शेरखान स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में काफी पुराना नाम है, सन 2000 में स्थापित हुआ, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में इनकी करीब 2000 सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं। तो इसके चांसेस हाई हैं कि आपके एरिया में आपको इनका ऑफिस मिल जाए। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 150 और डीमेट अकाउंट के रखरखाव एएमसी लेवल पे आपसे हर साल 150 रुपए चार्ज करेगा। वहीं शेरखान की ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस 750 रुपए है मिनिमम लेवल पे, वहीं डीमेट अकाउंट की एएमसी जाती है 450 रुपए पे। तो पहले अपस्टॉक्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपनिंग और एएमसी फ्री प्रोवाइड करता था, लेकिन ये ऑफर खत्म हो चुका है और अब ये आपसे 300 रुपए का अपफ्रंट कॉस्ट लेते हैं अकाउंट को खोलने के लिए। शेरखान डेफिनेटली महंगा है अपस्टॉक्स से, चाहे वो बात करें अकाउंट ओपनिंग की या मेंटेनेंस की। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। काफी इंपॉर्टेंट मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के चुनाव के लिए। शेरखान आपसे चार्ज करता है 0.5% इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट पे, जिसका मतलब है कि अगर आप 1,00,000 रुपए की ट्रेड प्लेस करेंगे आपको 500 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने कुछ बनाया है या कुछ गवाया है, कुछ प्रॉफिट मेक किया है, कुछ लॉस गवाया है स्टॉक मार्केट पे, आपको 500 रुपया ब्रोकरेज देना ही देना है। वहीं अपस्टॉक्स इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता। अब एक कंफ्यूजन जरूर दूर करना चाहेंगे, जब भी आप किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव से बात करना करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि 30 पैसा ब्रोकरेज है, 40 पैसा ब्रोकरेज है, 50 पैसा ब्रोकरेज है। अब कुछ बिगिनर्स इसको मानते हैं कि 50 पैसा एज इन जो 50 पैसा वर्थ है वही ब्रोकरेज है, वहीं अपस्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर आपसे 10 रुपए या 20 रुपए चार्ज करते हैं तो अपस्टॉक्स महंगा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपको कोई एग्जीक्यूटिव फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का कहता है कि 50 पैसा है, इसका मतलब है कि आपको 0.5% के हिसाब से ट्रेड लगाई जाएगी। अगर एक पैसा कहा जा रहा है इंट्राडे में तो आपको 0.01% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है। ये एक इंडस्ट्री न्यूएंस है, इसको समझने की जरूरत है, इससे कंफ्यूज ना हो, ताकि अगर आप इसी बेस पे ही फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ खाता खोलते हैं तो आपको बाद में चिटिट महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपकी ब्रोकरेज 25 पैसा थी लेकिन आपको 250 रुपया लगाया जा रहा है 1,00,000 की ट्रेड के ऊपर, जो कि एक्चुअल में होगा। अब बात करते हैं बाकी के सेगमेंट्स में। तो अपस्टॉक्स आपसे कंसिस्टेंटली ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया चार्ज करेगा ब्रोकरेज पे, इससे कम जरूर हो सकती है डिपेंडिंग अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल कम है, लेकिन 20 रुपए से ज्यादा अपस्टॉक्स आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता। वहीं शेरखान इंट्राडे लेवल पे 0.1 और बाकी सेगमेंट्स में भी कंसिस्टेंटली आपको हाई ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब सिंस शेरखान एक प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर है, इसने अलग अलग प्लान बनाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अब देखते हैं कि वो प्लान्स आपकी पॉकेट के साथ फिट बैठते हैं या नहीं। अब इसके लिए चलते हैं हम और digitalblogger.com की तरफ। अब शेरखान ब्रोकरेज लेवल पे आपसे दो तरह के प्लान ऑफर करता है, जिसमें पहला प्लान है पोस्टपेड प्लान, जिसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है
तो मान लीजिए अगर आप इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस 25,000 रुपए से शुरुआत करते हैं, तब आपकी ब्रोकरेज 0.5% डिलीवरी में लगाई जाएगी और ऑप्शन की ब्रोकरेज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं अगर आप इनिशियल डिपॉजिट को बढ़ाते हैं और 1,00,000 रुपए तक ले जाते हैं, तब आपकी ब्रोकरेज सीधा आती हो जाती है 0.25% पे। ये 20,00,000 तक आपको इनिशियल डिपॉजिट का प्रावधान देता है, जिसमें आपको 0.1% ब्रोकरेज देना है डिलीवरी सेकंड में। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कम से कम 25,000 रुपए की राशि आपको देनी पड़ेगी शेर खान को अपना अकाउंट खोलने के लिए। वहीं अगर हम बात करें प्रीपेड प्लान की, इसमें एक इनिशियल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होता है, इसको आप अकाउंट ओपनिंग फीस भी मान सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट लेवल पे 750 रुपए है। आपसे 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज ली जाती है डिलीवरी में। वहीं अगर आप इसको बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए कि 30,000 रुपए ले गए, तो आपको 0.18% के हिसाब से ब्रोकरेज देना होगा और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 2,00,000 रुपए तक लेके जा सकते हैं। डिलीवरी में आपको 0.08% ब्रोकरेज देनी होगी। बाकी सेगमेंट्स में भी आपको कम ब्रोकरेज लगाई जाएगी अगर आप अपना जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो बढ़ाते जाते हैं। अब एक डिफरेंस, एक अंतर जरूर है प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान में। प्रीपेड प्लान में जो भी इनिशियल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। जबकि पोस्टपेड प्लान में जो भी आपने राशि जमा की थी आपके इनिशियल डिपॉजिट लेवल पे, वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस कभी भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ब्रोकरेज प्लान्स शेरखान प्रोवाइड करता है और आपको देखना है कि कौन सा प्लान आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, या अगर एक भी सुटेबल नहीं है तो आप किसी और स्टॉक ब्रोकर की तरफ नजर रख सकते हैं। ब्रोकरेज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ही बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अभी इंटरेस्ट रेट 15% से 20% तक जा सकता है, काफी महंगा है उस हिसाब से। अब अपस्टॉक से आप इंट्राडे में 20 गुना एक्सपोजर पा पाएंगे, वहीं शेरखान आपको 10 गुना एक्सपोजर देता है इंट्राडे में। बाकी सेगमेंट्स में भी अपस्टॉक्स कंसिस्टेंटली आपको 4 गुना या 3 गुना एक्सपोजर देता है, लेकिन शेरखान आपको इक्विटी फ्यूचर्स और कमोडिटीज में 2 गुना और बाकी सेगमेंट्स में कोई एक्सपोजर ऑफर नहीं करता। अब आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं और उस हिसाब से आप स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, दोनों अपस्टॉक्स और शेरखान आपको ठीक ठाक क्वालिटी कस्टमर सर्विस देते हैं। शेरखान हालांकि आपको नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स में ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट जो कि एक इंटरमिटेंट फीचर है, फोन टोल फ्री नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस की सुविधा देता है, वहीं अपस्टॉक सिर्फ ईमेल सपोर्ट और फोन नंबर प्रोवाइड करता है। लेकिन बात अगर क्वालिटी की करें, ओवरऑल रेजोल्यूशन की, कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इन एरियाज में ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रिसर्च की, अब शेरखान एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, तो आपको रेगुलर लेवल पे डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली लेवल पे आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा फंडामेंटल और टेक्निकल बेस पे। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स मिलेंगी, अगर आप फंडामेंटल में ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं तब आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंडस्ट्री तथा कंपनी लेवल पे। वहीं अपस्टॉक्स आपको कुछ भी सुविधा ऐसी प्रोवाइड नहीं करता है, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करें। शेरखान की एक्यूरेसी एवरेज से बेहतर है, ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा बुरी भी नहीं है, कुछ ना कुछ लेवल पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आपको खुद की रिसर्च भी करनी होगी ओवरऑल रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में आईपीओस में आप निवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप अपस्टॉक्स के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी और भी कुछ अन्य फीचर्स हैं, ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं जिसमें ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको निवेश का प्रावधान देते हैं। कुछ अन्य फीचर्स हैं जिसमें कि आपको देखना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए सुटेबल हैं, जैसे कि मार्केट टिप्स, मार्जिन फंडिंग, रिलेशनशिप मैनेजर आपको शेरखान प्रोवाइड करता है। अब रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली एक तरह का आपको एग्जीक्यूटिव अलाइन कर दिया जाता है जो आपके पोर्टफोलियो पे नजर रखता है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको अवगत करवाता है और आपको उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं उसके बारे में भी बताता है। अपस्टॉक्स आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है जो जनरली डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको देखना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए ज्यादा सुटेबल हैं, उनमें से आप स्टॉक ब्रोकर्स का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की, शुरुआत करते हैं मोबाइल ऐप से और बढ़ते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो शुरुआत करते हैं शेरखान की मोबाइल ऐप से, यूजर फ्रेंडली है। शेरखान की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रही है जहां तक बात आती है मोबाइल ऐप्स की।
ये इनका तीसरा अटेम्प्ट है और जनरली देखा गया है कि जब भी कोई मोबाइल ऐप ठीक से परफॉर्म नहीं करती, कंसिस्टेंटली अपने क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो बजाय उसको ठीक करने के, उसको फिक्स करने के, ये एक नया ऐप लॉन्च कर देते हैं। अब शेर खान का ये नया मोबाइल ऐप शेर खान के नाम से ही है और ये रेटेड है 4.3 पे करीब 1096 यूजर्स द्वारा। इस ऐप को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है अप्रैल के लास्ट हफ्ते में और अभी तक इसको 11-12% यूजर्स ने नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि करीब 88% यूजर्स इस ऐप से खुश हैं, जो कि एक बढ़िया स्कोर है। वहीं अगर हम बात करें इनके खुद के फोकस की, तो जनरली इस नई मोबाइल ऐप को ये 3-4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। जो भी पुरानी मोबाइल ऐप्स देखी गई हैं उनमें अपडेट फ्रिक्वेंसी साइकिल कुछ खराब थी, करीब 6-7 हफ्ते लगते थे नया पैच आने में, लेकिन इस केस में अभी तक इन्होंने रेगुलरली इस ऐप को ठीक ठाक लेवल पे अपडेट किया है। हालांकि 1-2 पैच ही लगे हैं, ये टाइम ही बताएगा फ्यूचर में ये इस ऐप को किस तरह से मेंटेन करते हैं। इस ऐप को 50,000 से 1,00,000 यूजर्स ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जनरली ये वो क्लाइंट्स होंगे जो नई ऐप का इस्तेमाल करके देखना चाहते होंगे और उनमें से काफी हद तक यूजर सेटिस्फाइड भी दिखते हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। परफॉर्मेंस और स्पीड एक ऐसा एरिया रहा है जो शेर खान पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं स्पीड को लेके, चार्टिंग फीचर को लेके भी कंसर्न्स हैं कि उस पर्टिकुलर चार्ट को लोड होने में समय लगता है या होता ही नहीं है टाइम्स। फ्रीक्वेंटली ये ऐप आपको लॉग आउट भी कर देगी, जिसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली अगर आप इस ऐप में लॉग इन है तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक लेवल पे। तो हाँ, डेफिनेटली रेकमेंडेबल ऐप है, लेकिन कुछ कंसर्न्स के साथ, और बाय टाइम इन द फ्यूचर ही हम आपको एक ठीक ठाक रिव्यू दे पाएंगे इस एप्लीकेशन का, जिस हिसाब से ऐप मैच्योर होती है और नए अपडेट्स आते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप की, जिसका नाम है अपस्टॉक्स प्रो, अब ये ऐप करीब 1.5 से 2 साल पहले लॉन्च हुई थी, काफी अपडेट्स हुए हैं। 4.2 पे रेटेड है करीब 2600 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 13% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो नंबर्स के लेवल पे ऑब्जेक्टिवली ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर्स हैं। ऐप को भी 50,000 से 1,00,000 यूजर्स ने इंस्टॉल किया है। इस ऐप का लास्ट अपडेट 21 मई 2017 को हुआ था। ये अपनी ऐप को 3 हफ्ते में श्योरली एक बार जरूर अपडेट करते हैं, जो कि कंसिस्टेंटली इन्होंने फॉलो भी किया है। हालांकि इस ऐप में भी कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, स्पेशली अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल नेविगेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मोबाइल ऐप्स को, तो डेफिनेटली अपस्टॉक्स प्रो एक बहुत ही मैच्योर एप्लीकेशन है। काफी अपडेट्स देखे हैं इस एप्लीकेशन ने और कंसिस्टेंटली अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया है इसने अपने क्लाइंट्स को। तो दोनों में से अगर मोबाइल ऐप का ही चुनाव करना है तो आप अपस्टॉक्स प्रो के साथ जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और देखते हैं कि उसमें कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalbroker.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पहला नाम आता है शेर खान के लिए ट्रेड टाइगर का, जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है, काफी पुराना एप्लीकेशन भी है, तो डेफिनेटली मैच्योरिटी लेवल पे इसने बहुत से अपडेट्स देखे हैं और अपने यूजर्स को इसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। इसमें आप रेगुलरली फंड ट्रांसफर्स कर सकते हैं करीब 14 बैंक्स के साथ। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है जब बात आती है टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस की। चार्टिंग्स के द्वारा, हीट मैप्स के द्वारा और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस हिसाब से डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ये ट्रेड टाइगर शेर खान के द्वारा। शेर मोबाइल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके अलावा भी ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन शेर खान प्रोवाइड करता है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना है और आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं परफॉर्मेंस को लेके, यूजर एक्सपीरियंस को लेके, फीचर्स भी काफी लिमिटेड हैं। डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है ब्राउजर लेवल पे, और रिस्पॉन्सिव तो है ही लेकिन लाइट वेट नहीं है, कन्फिग्रेशन ठीक ठाक मांगती है, हैंग हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर हम किसी 1-2 एप्लीकेशन की बात करें तो शेर खान की तरफ से ट्रेड टाइगर सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है, लेकिन ये ज्यादातर सूटेबल रहता है इंट्राडे ट्रेडर्स या हैवी ट्रेडर्स को, जो जनरली हाई परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन स्पीड मांगते हैं। वहीं मोबाइल लेवल पे शेयर मोबाइल की शेर खान ऐप को डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है, और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन में अभी काफी बड़ा रास्ता तय करना है शेर खान को। वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो आपको ये नेस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि एनएससी बेस्ड एप्लीकेशन है,
सबसे नेगेटिव बात इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की यह है कि इसको यूज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फीस देनी होगी मंथली लेवल पे। हालांकि ये एक अच्छा एप्लीकेशन है, मैच्योर है, डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव यही है कि आपको इसको यूसेज के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस देने होंगे। वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की वेब बेस्ड एप्लीकेशन की, तो ये लाइटवेट है, रिस्पॉन्सिव है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए काफी एग्जॉस्टिव फीचर्स भी प्रोवाइड करती है, और बहुत तरह के ऑर्डर्स भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी में इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के इस लिंक पे जा सकते हैं और अपस्टॉक्स प्रो वेब का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव फीचर्स के द्वारा हमने बताया है कि अपस्टॉक्स प्रो वेब आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। इसका हिंदी में भी अनुवाद हम जल्दी से आपको उपलब्ध करवाएंगे। वहीं हम इनकी मोबाइल ऐप की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अच्छी एप्लीकेशन है और डेफिनेटली रिकमेंडेबल भी है। अब अगर आपको एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना है इन दोनों में से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बेस पे, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिवाइस आप चूज कर रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की तरफ झुकाव है आपका, तो आप शेर खान के ट्रेड टाइगर के साथ जा सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप या ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन ही चाहिए, तो उसके लिए अपस्टॉक्स आपको बढ़िया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपकी ही प्रायोरिटी, आपकी ही प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो ये था कंपैरिजन अपस्टॉक्स और शेर खान के बीच में। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की, कंपनी बैकग्राउंड्स की, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोजर, प्राइसिंग, ब्रोकरेज, कस्टमर सर्विस और भी कुछ मायनों के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सी पर्टिकुलर लिस्ट आपके लिए प्रेफरेंशियल है, उसके बेस पे आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इन दोनों में से या अपने लिए कुछ स्टॉक ब्रोकर ऐसा चाहते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ 100% मैच करता हो, तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक adigitalblogger.com/freecallbackbrokerchoice पे जा सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स बता सकते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिनसे आप बात कीजिए। अगर पसंद आए तो फाइनली आप उनके साथ अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को यूट्यूब के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।